लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत के नेतृत्व में आज से सानपाड़ा के बुद्धेश्वर मंदिर में आरोग्य उत्सव की शुरुआत हो गई। नाकवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल के 25 साल पूरे होने पर गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में इस आरोग्य उत्सव का आयोजन किया गया है। आज बीजेपी नेता दशरथ भगत ने यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के साथ इसकी लॉन्चिंग की। युवा नेता निशांत भगत ने बताया कि 4 दिनों के आरोग्य उत्सव में जो भी नागरिक यहाँ कोविड वैक्सीन लेंगे उसका आधा खर्च मंडल उठाएगा। देखिए रिपोर्ट। सानपाड़ा में आज से 4 दिवसीय आरोग्य उत्सव का शुभारंभ हो गया। बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन और युवा नेता निशांत भगत के नेतृत्व में नाकवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आरोग्य उत्सव 4 दिनों तक चलेगा। आज यहां कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के साथ इसकी लॉन्चिंग की गई। युवा नेता निशांत भगत ने बताया कि आरोग्य उत्सव में जो भी नागरिक कोरोना टीका लगवाएंगे उसका आधा खर्च सांस्कृतिक उत्सव मंडल उठाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ नागरिकों के लिए मुफ्त आरोग्य शिविर, नेत्र जांच चिकित्सा, रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। युवा नेता निशांत भगत ने प्रभाग के सभी नागरिकों से इन मुफ्त आरोग्य सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। नाकवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडळाच्या माध्यमातून ह्या वर्षी रौप्य महोत्सव साजरा करत असताना आरोग्य उत्सव या ठिकाणी साजरा करण्यात येत आहे आणि म्हणून मंडळाच्या वतीनं नवी मुंबई शहराला आणि महाराष्ट्र राज्याला एक नवीन संदेश देण्याचा प्रयत्न या मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत। या ठिकाणी वॅक्सिनेशन कॅम्प भरवण्यात आलेला आहे। कोविशिल्डची मूळ किंमत ही खऱ्या अर्थानं 780 रुपये आहे, परंतु मंडळाच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आम्ही गणेशोत्सव साजरा करतो त्या दरम्यान अनेक घरांमध्ये जाऊन किंवा व्यापाऱ्यांकडे जाऊन मंडळाच्या उत्सव साजरा करण्यासाठी जी वर्गणी जमा करतो ती जमा करून उत्सव साजरा करत असतो, पण ह्या वर्षी आणि मागच्या वर्षी कुठल्याही प्रकारची वर्गणी घेतली नाही, परंतु रौप्य महोत्सव साजरा करत असताना या ठिकाणी आमच्या भागातल्या नागरिकांना जे वॅक्सिन 780 रुपयामध्ये मिळते ती 380 रुपयामध्ये देण्याचा प्रयत्न आम्ही ह्या आरोग्य उत्सवामध्ये आम्ही केलेला आहे। गणपतीच्या दरम्यान जे उत्सव साजरा करणं त्यामध्ये आम्ही मग रक्तदान शिबिर असेल, नेत्र चिकित्सा शिबिर असेल, आरोग्य तपासणी शिबिर असेल, असे जे आरोग्याच्या रिलेटेड जे कार्यक्रम आहेत ते कार्यक्रम आम्ही मंडळाच्या माध्यमातून या ठिकाणी घेणार आहोत। गौरतलब है की लॉकडाऊन की इस आर्थिक तंगी में ऐसे लोकोपयोगी कार्यक्रम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी बन जाते हैं। आरोग्य उत्सव को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत के प्रयासों की सराहना की और आरोग्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। वैक्सीन का पब्लिक के लिए इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो अभी एक पेड़ लगा रहे हैं और इसका जो फल है वो जिंदगी में लोगों को मिलता ही रहेगा, और इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं यहाँ पे अपने एरिया में ऐसा अभी तक किसी नगर सेवक ने काम नहीं किया। सब रोड बन चुकी हैं, सब इतना मतलब अपने लिए अपने एरिया के लिए जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत ही रेयर होता है कि ऐसे अपना जो लोकल कॉरपोरेटर है सब हेल्प करता है और आके इनिशिएटिव लेता है और खड़े होते हैं, पर्सनली आके खड़े होते हैं वो बहुत ही कम मिलता है। तो बहुत ही एक्सीलेंट जॉब किया है इन्होंने, वेरी फैंटास्टिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।